जय माता दी। और नवरात्र की एक बार फिर से अनंत शुभकामनाएं आपको 92.7 बिग एफएम से। मैं अजय आपके साथ, मेरे साथ मेरा दोस्त जो इस समय आपके लिए शूट कर रहा है राजवीर, और हम दोनों आज आए हैं दर्शन करने के लिए भक्ति धाम में। पंडित जी हमारे साथ हैं, जय माता दी। जय माता की। तो आज पंडित जी हम सबसे पहले तो एक एक माता के बारे में आपसे जानेंगे और इसका संक्षिप्त में इतिहास जानेंगे, कितने साल पुराना मंदिर है जी। ये सबसे पहले शहरवासियों को सभी को भक्ति धाम मंदिर की तरफ से नवरात्र की शुभकामनाएं। और इस भक्ति धाम मंदिर को 25 फरवरी 2001 को इसका शुभारंभ हुआ जगदगुरु श्री जी महाराज निम्बाकाचार्य जी के द्वारा, माननीय श्री योगकार सिंह जी लखावत साहब और चांद समाज और भी समाज के सहयोग से ये मंदिर का निर्माण हुआ। खास है भक्ति धाम के मंदिर में एक तो इसका आकार, पंडित जी इसके आकार की भी विशेषता है ना। भक्ति धाम मंदिर जो है इंडिया का प्रथम सैटेलाइट आर्यभट्ट जो है उसके नक्शे पर ही ये इसका पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है जी। और इसमें 7 देवियां विराजमान हैं। 7 देवियों में सबसे पहले देवी श्री अम्बा माता जी। अम्बा माता जी अहमदाबाद के पास में हैं। अम्बा जी कह दें, दुर्गा माता कह दें, माँ जगदम्बा भवानी कुछ भी नाम से पुकारें, सब जगदम्बा का रूप है। और दूसरी जो प्रतिमा माँ की है वो श्री खोडियार माता जी हैं, लेकिन उनके बारे में हमें ज़्यादा बताएंगे पंडित जी। खोडियार माता जी ये आवड़ माता जी हैं, आगे वाला जो मंदिर आएगा उनकी ही 7 बहनों में एक उनकी सबसे छोटी बहन खोडियार माता है। मुख्यतः इनका बड़ौदा के अंदर मुख्य मंदिर है। ये मगरमच्छ की इनकी सवारी है और इनके कोई एक भाई थे उसको तेंडा नाम का राक्षस एक उनको डस जाता है। वापस ये अमृत कुंड लेके वापस बाहर आती है भूमि से, तो एक पहाड़ से चट्टान से टकरा जाती है, उससे नाम खोड़ी होने से इनका नाम खोड़ियार रखा गया जी। खोड़ियार माता की जय हो। और तीसरी प्रतिमा जो माँ की है वो श्री आवड़ आशापुरा माता जी हैं, और जैसा कि आप उनकी ये खूबसूरत प्रतिमा देख पा रहे होंगे, पंडित जी इसके बारे में हमें ज्यादा बताएंगे क्योंकि उतना नॉलेज हमें है नहीं। आवड़ आशापुरा माता जी हिंगलाज माता का रूप मानी गई है, आगे जो हिंगलाज माता आएंगे उन्हीं का ही रूप है ये। और इनका जो मुख्य स्थान है तन्नोट में है, उनको चाहे तन्नोट माता कह दें, तेमड़ा माता कह दें, आशापुरा माता कह दें, चाहे सातों बहनों का मंदिर जो कहते हैं। इस प्रतिमा में 3 बहनें इधर है, 3 बहनें इधर है। अच्छा। मुख्य बड़ी बहन जो है आशापुरा माता है। ये जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था वहाँ 7 जितने भी गोले गिराए थे आज भी नहीं, वहाँ कुछ नहीं हुआ था, वो बम गिरे थे तो उसका पूजा करते हैं जी 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 जी। ये वो है आवड़ा आशापुरा माता की जय हो, ये वो मंदिर है। हम जैसे ही मंदिर में प्रविष्ट होते हैं तो सबसे सामने हमें इन माता के दर्शन होते हैं, हिंगलाज माता। और मुझे लगता है बहुत सारे लोग हिंगलाज माता के बारे में जानते होंगे, लेकिन पंडित जी आपको विशेष बात बताएंगे। हिंगलाज माता सती माता का जो शंकरवाणी पहली पत्नी थी उनका ये अवतार है। जब वो बिना बोले अपने पिता की यज्ञ में चली जाती है, रक्ष के महाराज के शंकरवान आते हैं, जलती हुई सत्य को लेकर तांडव करते हैं, विष्णु भगवान के अपने चक्र से उनकी 52 टुकड़े करते हैं, उसमें से ये पाकिस्तान में बलूचिस्तान है वहाँ पर इनका धड़ गिरा जी। वो धड़ गिरा जो हिंगलू जो महिलाएं मांग भरती है उसको हिंगलू बोलते हैं, हिंगलू और धड़ वहाँ गिरने से वो हिंगलाज माता इनका नाम पर हुआ और प्रथम शक्तिपीठ वहाँ पर है। ये प्रथम शक्तिपीठ जो है वो हिंगलाज माता का होता है, 52 शक्तिपीठ 52 शक्तिपीठ सबसे प्रथम वो आता है जी, वो हिंगलाज माता की जय हो। तो उसके बाद जिस माता के आप दर्शन करने हैं वो श्री करणी माता मंदिर है, और करणी माता मंदिर में सच बताऊं मैं जा चुका हूं बीकानेर, वहां देखा है, लेकिन फिर भी खास बात आपको माँ के बारे में तो पंडित जी ही बताएंगे। करणी माता जी हैं जो हिंगलाज माता अभी जो आपने देखा दर्शन किया उनसे उनके पहले आवड़ आशापुरा माता दर्शन किया था। हिंगलाज माता की और आवड़ आशापुरा माता की जीवन पूर्ण होने के बाद में करणी माता ने अवतार लिया। अच्छा। ये उनका ही एक पीढ़ी दर पीढ़ी का अवतार है, जैसे करणी माता के बाद इंद्र बैसा ने भी अवतार लिया। हाँ। तो ये करणी माता देशनो बीकानेर में है, बहुत अच्छा भव्य मंदिर है, वहाँ पर सब चूही काबा जिसको बोलते हैं, और वहाँ अगर सफेद चूहा दिख जाता काबा तो वो आपको भगवती का रूप का दर्शन हो जाता है। और वहाँ के जो भी दीपावत चारण लोग हैं जो भी वहाँ से अपना शरीर का त्याग करके देवलोक को चले जाते हैं वो उसी रूप में काबा में जन्म लेता है, जो काबा जो चला जाता है इस जीवन का त्याग करके वापस वो इस चारण परिवार में जन्म ले लेता है। अच्छा, ऐसा वहाँ पर माना जाता है करणी माता मंदिर। करणी मैया की जय हो। जय माता दी। और शुभागमन माता का श्री बहुचराय माता जी, और यहाँ भक्ति धाम मंदिर में आपको दर्शन करा रहा था, पंडित जी भी मेरे साथ हैं, तो हम जान ले श्री बहुचराय माता जी के बारे में। बहुचराय माता मेशाना के पास में बहुचराय गांव है, वहाँ पर बहुचराय माता का स्थान है जी। आपको बहुचराय माता को माँ सरस्वती का अवतार माना जाता है, सरस्वती जी के जीवन का अंश है। आप देखिए उनके हाथों में एक में वेद है जी, तो वेद सिर्फ सरस्वती जी के पास में होता है, उन्होंने रचना करी।
ब्रह्मा जी ने रचना करी तो इसका रूप है, तो सरस्वती का अवतार माना गया। इनकी जो सवारी है वो मुर्गा है जी। ये वहाँ पर कोई भी जिसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो मुर्गा को वहाँ पर प्रसाद में चढ़ा देता है जी। तो यहाँ पर मुर्गे ही मुर्गे, जहाँ पर कन्नी माता के चूहे चूहे काबे काबे हैं, उसी प्रकार यहाँ पर जहाँ भी आप जाओगे अनगिनत मुर्गे हैं जी। ये उसकी कहानी है, फिर वो कभी बताएंगे। बोलो श्री बहुचराय माता की जय हो। माँ ही तो घर में खाने के लिए देती है, उसी को तो फिक्र होती है। अन्नपूर्णा एक हमारे घर में भी है और आज भक्ति धाम मंदिर में भी श्री अन्नपूर्णा माता जी के दर्शन कर रहे हैं आप। और अन्नपूर्णा माता जी के बारे में आपको बताने के लिए खास पंडित जी हमें बताएंगे। पंडित जी, अन्नपूर्णा मैया आप सब जानते होंगे, अन्नपूर्णा जो अपने रसोई भंडार की मालकिन होती है, अन्न की देवी होती है। अन्नमय प्राण बसते हैं, अन्नपूर्णी सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान विराग सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देही च पार्वती। ये माता पार्वती का रूप है, इनके हाथ में देगी, एक में चम्मच है, एक में इनके कलश है, उसी से आपको हमको अन्न का प्रसाद देती रहती है। सिंगावल में भी इनका बहुत बड़ा अच्छा मंदिर है, जैसलमेर में मंदिर है, चित्तौड़गढ़ किले में भी मंदिर है। अन्नपूर्णा सब लोग जानते हैं, अन्न की शक्ति है, रसोई का मालकिन होती है जी। बोल अन्नपूर्णा मैया की जय हो। सबके धन धान भरते रहना माँ, हमेशा यूं ही। 92.7